अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शास्त्रवा खान और आप देख रहे हैं शास्त्रवा खान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यूट्यूब वीडियो के लिए सब्सक्राइब बेल एनिमेशन इंट्रो कैसे बना सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड से आपके जो भी कंट्री है उसका फ्लैग आ जाएगा और मिड में आपके चैनल का नेम, और राइट साइड से बेल इंट्रो, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम इसे अपनी वीडियो में ऐड करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे से ये इंट्रो आ जाता है, तो यार हमारी वीडियो एक प्रोफेशनल लगती है। या तो आपको अपनी वीडियो में ये नहीं कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो जब आप ये अपनी वीडियो में ऐड करते हैं तो लोग आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इसे बनाने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी है, आपको बनाने का मेथड भी बताऊँगा और साथ इसे आपने अपनी वीडियो में कैसे ऐड करने, काफ़ी सारे लोगों को इसे ऐड करने का तरीका भी नहीं आता, सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो भाई को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इधर आपको न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिखना है। इधर जैसा कि मेरे चैनल का नेम है शास्त्रवर खान, तो चैनल का नेम लिखने के बाद आपको इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ए पे क्लिक करना है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसे आपने चेंज कर देना है। इधर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, अगर आपने माई फ़ॉन्ट में ऐड किए हुए हैं तो इस पर क्लिक करके आप माई फ़ॉन्ट में भी इस इधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन प्लस कैप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में चले जाना है। तो इधर आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ये लिखकर आपको डन करना है, ओके करना है। तो इससे आपने इससे नीचे थोड़ा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, इससे नीचे। तो देन आपको क्या करना है, प्लस कैप्शन में चले जाना है फ्रॉम गैलरी। तो आपको अपने YouTube चैनल का जो लोगो है या प्रोफाइल पिक्चर है उसे आपने इधर से सिलेक्ट करना है। तो अभी क्योंकि मेरे चैनल पर प्रोफाइल पिक्चर ही है तो मैं इसे प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करूँगा। तो अगर आपको लोगो बनाना नहीं आ रहा तो मेरी उसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसे आपने थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करना है इसके साथ ही। तो अगेन आपको प्लस कैप्शन में चले जाना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो ये जो अभी मैं टिक सिलेक्ट कर रहा हूँ ये टिक आपको उधर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसे आप छोटा कर लेना आपने थोड़ा इसे, अभी अगेन छोटा करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। मैं प्लस कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करके इसे हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा, अगेन उस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो देन आपको कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करना है इससे आगे, ठीक है। तो अगेन मैं प्लस कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं जूम आउट करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो टेक्स्ट का कलर है इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे इसका कलर आपको चेंज कर देना है, कलर पे क्लिक करना है और इसका कलर आपको ब्लू रख देना है। इधर से ब्लू पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके। नीचे वाला जो इसे भी आपने ब्लू कलर दे देना है, तो इधर मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू कलर, ओके। तो देन ये जो बैक वाला है ना, इसका कलर हमें चेंज करना है। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको इधर कॉपी कैप्शन पे क्लिक करना है, इधर कलर कैप्शन में चले जाना है, इधर से इसका जो कलर है आपको वाइट कर देना है। इसका कलर वाइट करने के बाद आपको ओके करना है, और इसके बाद आपको यहाँ से हमारा जो भी काम अब होना था वो हो चुका है। तो इसके बाद आपको इसे सेव करना है, सेव कैप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज, और इसके बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक करना है और इसे आपने अल्ट्रा में सेव करना है, देन आपको सेव टू गैली, ठीक है। अब ये जो हमारी पिक्चर है गैली में सेव हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, काइन मास्टर को ओपन करना है। तो अभी मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस कैप्शन में क्लिक करना है और 16:9 पे क्लिक करना है। अभी जो मेन काम है ना हमारा, अभी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मीडे कैप्शन में चले जाना है और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर ब्लैक चूज़ करना है, इसकी लेंथ आपको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेनी है 8-10 सेकेंड तक, जैसे थोड़ा कम। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन में चले जाना है, मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है, बैकग्राउंड में अगेन जाना है, इधर से आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना है। इसे आपने थोड़ा जूम कर लेना है, बड़ा कर लेना है, तो इसे थोड़ा आपने रोटेट कर लेना है इसकी मदद से, यहाँ से पकड़ करना आपने थोड़ा इसे रोटेट करना है। तो इसे आपने कुछ इस तरह से इधर एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। देन आपको इसे ओके कर लेना है।
इसके बाद लेयर के ऑप्शन में अगेन चले जाना है और मीडिया में जाकर अभी मैं इधर से एक फ्लैग सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, पूरा फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे, जो चीज़ें भी अभी मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सब कुछ आपको उधर उस पर जो ही आप क्लिक करेंगे उन चीज़ों को आपने डाउनलोड करना है, तो फिर आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आपके कंट्री का उधर फ्लैग आपको मिल जाएगा। तो इसके बैक पे ग्रीन स्क्रीन है, इसे रिमूव करना है। क्रोमा की पे क्लिक करके मैं इसे अनेबल करता हूँ, तो इसे मैं कर देता हूँ 50, ओके। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आपने लेफ़्ट साइड से थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। देन लेयर पे अगेन क्लिक करना है, मीडिया में चले जाना है और आपको सिलेक्ट करना है इधर से जो आपने पिक्सल लैब में जो पिक्चर सेव की है। तो पिक्सल लैब के मैं फोल्डर में चला जाता हूँ, इधर से उसी पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने सेव की है, ठीक है। तो इसे थोड़ा क्रॉप कर देते हैं ऊपर से और नीचे से भी क्रॉप करते हैं। इसके बाद राइट लेफ्ट दोनों से थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं इसे। तो क्रॉप करने के बाद आपको ओके करना है। तो इसे आपने थोड़ा ड्रैग करके इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको अगेन लेयर के ऑप्शन में चले जाना है, मीडिया में जाना है। तो इधर से अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो, ठीक है। तो ये आपको मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसकी जो बैक ग्रीन स्क्रीन है, इसे रिमूव करने के लिए हम जाएंगे क्रोमा की में, इसे अनेबल करना है। इसे हम कर देते हैं जी 50 50, ओके करते हैं। बैकग्राउंड इसका जो है वो रिमूव हो चुका है, तो इसे आपने थोड़ा राइट साइड से इसे आपने रख देना है, ओके। इसकी थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे इस तरह से कुछ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। क्रोमा की अभी ठीक से वर्क नहीं की, इस पर क्लिक करते हैं तो ओके, अभी बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो लेंथ है ना, ये जो ये है जी एनिमेशन इंट्रो, सब की लेंथ आपको इसके बराबर ही कर देनी है, ठीक है। तो ऊपर जो बैकग्राउंड है उसकी लेंथ भी आपको इतनी करनी है और इस फ्लैग की भी लेंथ उतनी करनी है, अगर ये थोड़ा बड़ा होगा तो। बाकी ये अभी छोटे हो रहे हैं, इसकी लेंथ भी हम उतनी ही कर देते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो है ना, इस पर क्लिक करके राइट साइड से इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इधर इन एनिमेशन में स्लाइड अप करना है। इसके बाद आपको अगेन उस पर क्लिक करना है, आउट एनिमेशन आपको देना है स्लाइड डाउन कुछ इस तरह से। इसके बाद फ्लैग पे क्लिक करना है, फ्लैग की जो लेयर है इस पर क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ आपको स्लाइड अप करना है और अगेन उस पर क्लिक करके आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन। तो इसके बाद जो आपने अपना जो पिक्सल लैब में हमने पिक्चर सेव की है उसे भी आपने इन एनिमेशन में स्लाइड अप और आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन, ओके। अब इसके बाद इनकी जो वॉइस है, वॉइस को आपने ऑफ कर देना है, फ्लैग की भी वॉइस को हम ऑफ कर देते हैं। तो देन मैं अभी आपको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस किस्म का हमें देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपको अभी क्या करना है, जो आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके इसका जो रंग है, जो कलर है, इसे आपने चेंज कर देना है ग्रीन में। ग्रीन में चेंज करने के बाद आपको ओके करना है, तो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने अपनी वीडियो में इसे किस तरह से एडजस्ट करना है। अगेन मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। तो सेम है, ऐसे ही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हम कर देते हैं। तो चलिए जब ये एक्सपोर्ट हो जाता है, तो भाई लोगों हमारा एनिमेशन इंट्रो एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद उसे वीडियो में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है जिस वीडियो में आप उसे ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आपको वीडियो को एडिट करना नहीं आ रहा, काइन मास्टर की यूज़ करने का तरीका नहीं आ रहा, मेरी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मान लो कि मैंने इस जगह पे कहा है कि
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या मुझे इस जगह पे वो जो इंट्रो ऐड करना है तो मैं प्लेहेड को उस जगह पे लेकर आऊँगा। इसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में मैं चला जाऊँगा और जहाँ मैंने उसे एक्सपोर्ट किया है उधर से मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, इधर से क्रोमा की ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे मैं अनेबल करूँगा। अनेबल करने के बाद इसे मैं 40 तक कर दूँगा या ऑलमोस्ट मैं इसे 50 तक कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, इस पर अगेन इस लेयर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा इस तरह से। इसे बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, इधर इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, इसे आपने स्लाइड अप करना है और सेम एज बिफोर आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन, ओके, देन आपको ओके करना है। तो अभी मैं आपको इसका जो वॉइस है मैं ऑफ करता हूँ, अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा देखने को मिल रहा है। वाओ, लेवल हो गया यार। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप आपको 101% समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपसे ये बेल इंट्रो बनाने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन दिए गए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए मैं दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।